नमस्कार दोस्तों, आशा करते हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें। दोस्तों, जय माँ अम्बे विलेज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने शिमला मिर्च लिया है, देखिए इनको हमने साफ पानी से धो लिया है। तो चलिए अब इनको हम कट करेंगे, तो इनकी हम बनाएंगे बहुत टेस्टी सब्जी। इस तरह हम यहाँ पे हमने शिमला मिर्च इस तरह का कट कर लिया है, ये देखिए। हमने यहाँ पे टमाटर लिया तो इनको हमने कट कर लिया। इसके बाद ग्रेवी, यहाँ पे हमने दो प्याज लिया बड़े साइज का, चार काजू हैं, थोड़ी सी हमारे ये देखिए गरी है। यहाँ पे हमारे एक कटोरी मूंगफली के दाने हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है। यहाँ पर हमने दो छोटी इलायची लिया है, हमारी दो लवंग है। यहाँ पर हमारी चार लहसुन की कलियाँ हैं, मिक्स मसाला है, जीरा दाना है। तो चलिए इसका हम भूनेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसके बाद मूंगफली के दाने यहाँ पर हमने मेवा लिया है डाल देंगे। सारी चीज़ें हम डाल के भूनेंगे। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देखिए भून लिया है। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया सरसों का, और फिर हमने चीनी देखिए फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च फ्राई कर लिया है, तो अब कढ़ाई में हमने यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल थोड़ा सा और डाला है। अब इसमें थोड़ी सी हम दो चार लहसुन के कलियाँ हैं, हमारा जीरा डालना है। यहाँ पर हमने प्याज का पेस्ट लिया, उसको डाल देंगे। यहाँ पर हमने प्याज का पेस्ट जो है तो इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाले में हमने यहाँ पे तीखी मिर्ची लिया है, हल्दी पाउडर लिया, धनिया पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्ची लिया है, गरम मसाला लिया है। इसमें थोड़ा सा हमने कटोरी में पानी लिया है, तो हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा पानी डाल के हम इसका डाल देंगे, और इसमें भी डाल देंगे मसाला, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ पर मसाला हमारा पक गया है, देखिए साइड से जो तेल है छोड़ने लगा है। यहाँ पे हमने जो मूंगफली के दाने में सारी चीज़ें डाला है उसको डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट हमारा तो डाल देंगे, और इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। अब इसमें हम ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल देंगे, देखिए थोड़ा सा भी हम पानी डालेंगे। यहाँ पे हमने ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल दिया, इसको हम थाली से ढक के पका लेंगे, उसके बाद हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे शिमला मिर्च बन के रेडी हो गई, शिमला मिर्च की सब्जी बन गई। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च की सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो शिमला मिर्च की सब्जी तो हर लोग हर तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने अपने तरीके से बनाया है। इसके कलर पर ना जाइए दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी है। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठा के साथ, पूड़ी के साथ, जिस तरह खाना पसंद करते हैं उस तरह खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। तो ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।